फ्रेंड्स, और बजे हुए हैं 3 बज चुके हैं सुबह के, 3 बज गए हैं। मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज का ये ट्रिप होने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार। और अभी मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। देखिए, सामान ऑलमोस्ट डन है, हमें क्या लेकर जाना है ये हम एक दिन पहले ही बाहर रख लेते हैं ताकि लास्ट टाइम पर कुछ छूट ना जाए। लबू, हाँ जी, रेडी हो गए हैं हम, और बस अब हम निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम चीकू? हम कहाँ जा रहे हैं? माउंटेन्स में। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे अपने दादाजी का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि आज वो बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेकर बाहर जाना चाहिए। चलो आप भी बैठो। अच्छा, उनमें ध्यान रखिए, ठीक है ना? फोन करवा दी। बोलो जय माता दी, जय गुरु जी। यस बेटा, आराम। चीकू, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? आज हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली से मनाली, मनाली हम जाएंगे करनाल से होते हुए अम्बाला, चंडीगढ़, फिर सुंदरनगर, सुंदर मंडी, कुल्लू, मनाली, और जो भी अपडेट होगा हम आपको इस व्लॉग में ज़रूर देंगे। इसके लिए प्लीज़ आप इस व्लॉग को एंड तक देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ो बेटा। जय माता दी। अभी टाइम हुआ है 4:48। आज इस ट्रिप पर हमारे साथ दो फैमिलीज और कनेक्ट होने वाली हैं। सबसे पहली फैमिली है मेरी सिस्टर की फैमिली, जो कि मुनीरका में रहते हैं, और अभी हम उन्हें ही अपने साथ लेने जा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा हमें, 5 से 10 मिनट, और फिर नेक्स्ट हमें कहाँ पर मिलेगी दूसरी फैमिली? झंडे वाला मंदिर, वहाँ पर मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी दोस्त हैं मयंक छाबरा, वो भी हमारे साथ इस ट्रिप पर कनेक्ट होने वाले हैं। तो हम टोटल 3 फैमिलीज होंगे इस ट्रिप पर, और ये दिल्ली से मनाली की ट्रिप रहेगी, और जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। और हम यहाँ पर मुनीर का पहुँच चुके हैं अपनी सिस्टर के घर पर। यहाँ से हम किसे पिक करेंगे चीकू? चेरी को, चेरी को, मौसा को, मौसी को। मौसी का घर। बैठे रहो, यही आ जाएगी मौसी। उतरना आपको? उतरना तो जाएंगे थोड़ी देर, वैसे ही बैठना है, परेशान हो जाएंगे। आराम से, आराम से। आराम से, ठीक है, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। हेलो हेलो,
मौसी आ गई, चेरी भी आने वाली है। पांच बज चुके हैं, 5 बजे हम पहुंच गए हैं अपने सिस्टर के घर पर। बस यहां से फटाफट उन्हें पिक करके फिर चलते हैं ISBT। ये रोड ISBT से होने वाला है। हेलो, हेल्प कराऊं कुछ, लाऊं सामान? हाँ, अच्छा। हेलो, और अब हमारी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है। फिर रे मौसा जी, हेलो चेरी, आप भी करो हेलो बेटा, आप भी करो। चेरू, चेरू सो रही है। चेरू हेलो, लव आप यहीं? नहीं, इसे तो उठा। हाँ, पानी की एक बोतल पीछे रख दो। इनका एक गिलास भी है लब्बू चीकू का, वो येलो वाला। तो वीडियो चलाऊंगी भी। स्टोरेज फुल करिए। लास्ट को तो वाली की। क्या है? चेरी को बता कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे बेटा? माउंटेन। कहाँ पर जा रहे हैं फिर? जीटी करनाल रोड। और मैं कहाँ पर मिलेंगे? ये देखो, एक माउंटेन आ गया है। ये तो सबको ही पता है ये कौन सा माउंटेन है, कूड़ा माउंटेन। क्या है लबू, ये चीकू? ये कूड़ा माउंटेन लबू, ये यहाँ पर मयंक भैया मिल चुके हैं। और अब हम तीनों फैमिली साथ में ट्रैवल करेंगे। एक्चुअल ट्रिप अब हमारी स्टार्ट होने वाली है। चलो चलते हैं मनाली। ये अभी हमने कार में फास्ट ट्रैक लगाए हुए हैं और ये है हमारा मोबाइल पोर्टेबिलिटी के लिए, ताकि हमारी वीडियोस अच्छे से बन पाए। Wow, beautiful view. Kula mountain. Looking very, very amazing. Kula mountain view. और हम मनाली से कुछ ही दूरी पर है। स्नीजिंग हो रही है बेटे को। अब हम कौन सा रूट लेंगे? जीटी करनाल रोड। और फिर वहाँ से फिर सीधा सीधा उसी पे चलेंगे। और ये चंडीगढ़ होते हुए जाएगा? चंडीगढ़ से पहले कट जाएगा। चंडीगढ़ से पहले कट जाएगा, ठीक है। ISBT से बस पकड़ लेना पंजाब रोडवेज। पहला टोल है ना ये? मस्त है ये। और ये
हमारा फर्स्ट टोल है। कहाँ पर है ये? मूरथल का फर्स्ट टोल है ये। हमारे चीकू, लब्बू, चेरू सब बच्चे को नींद नहीं आई है, सो चुके हैं। आज मैं अभी निकला ही हूँ बस टोल से। अभी हमारे सभी बच्चे सोए हुए हैं, चेरी, चीकू एंड लब्बू। तो अभी हमारा प्लान कोई भी रुकने का नहीं है, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं तो आसानी से ट्रैवल हो जाता है। इसीलिए जब तक ये सो रहे हैं तब तक हम जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे विदाउट एनी स्टॉपेज। सत्येंद्र जी का फोकस खाने पीने पे है। चलो कहीं रुकते हैं। बहुत पीसली अंबाला दिल्ली से 200 किलोमीटर है। हमारा तो था कि हम यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ हम दिल्ली से अंबाला पहुँच चुके हैं। अंबाला क्योंकि अभी हमने कोई भी स्टॉप नहीं लिया था। और सुबह भी कुछ नहीं खाया। खाने की बातें बहुत करती है, ये खाना वो खाना है, बस खाने को बस साइड में रख देते हैं। सही है। सिंह के बस मेरा हो गया। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ में था ना, मैं बीटेक कर रहा था तो वहीं से काफी बार गया। फैमिली के साथ भी गया हूँ और फ्रेंड्स के साथ, दिल्ली आके फ्रेंड्स के साथ भी गया हूँ। अब ये देखिए एक हवेली आएगी लेफ्ट में, यही रोक लेते हैं यार। रोक लेते हैं, जाम भी लग रहा है, थोड़ा शांत भी हो जाएगा। नहीं नहीं यही है, ऊपर ही है हवेली पे। रोक लियो मैं, ठीक है लेफ्ट में आएगा, हवेली पे रोक लियो, जाम लगेगा उधर। ठीक है, हाँ ये जाम लग रहा है। बस हवेली देख, लेफ्ट में ही होगी, यही रोक लियो। अभी कितना टाइम हो गया मोनिका? 8:40 हो गए हैं। 8:40 में हम अंबाला में ही हैं। अंबाला में ये हमारा पहला हॉल्ट है। कहाँ पर? हवेली पर। और चलो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आओ डैडी, सरप्राइज लेके आए आपके लिए। वेयर्स डैडी? बेटे देखो इन चारों बच्चों को, ये इस ट्रिप पर धूम मचाने वाले हैं और तहलका मचा देंगे ये सब बच्चे मिलकर, क्योंकि ये चारों ही सेम एज ग्रुप के हैं। लगभग एक डेढ़ साल का ही इनमें डिफरेंस है, किसी में 5-6 महीने का, किसी में 1 का। और ये क्या करने वाले हैं इसका कोई आइडिया नहीं है। हवेली पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद वापस हम अपनी कार में आकर बैठे हैं
और यकीन मानिए इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है मतलब कि बर्दाश्त भी नहीं हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी तक हम जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया है, ये सबसे मुझे हॉटेस्ट पॉइंट लग रहा है। यहाँ पर ये अम्बाला की तरफ है और यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है अभी, और गर्मी भी बेहद ज़्यादा गर्मी है कि कार के अंदर बैठकर भी हमें इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है, और ये है टनल नंबर 1। ऐसे ही लगभग 15 से 16 या 17 टनल गुजरेंगी, देखते हैं कितने टनल्स आती हैं। ये सेकंड टनल आ गई, 5 है ये शायद टोटल, 5 या 6, काफी शॉर्ट कर दिए इन्होंने, 2-3 घंटे बचे। ये टनल नंबर 2 है। यहाँ पर आपने देखा अभी भी शिमला जो है 87 किलोमीटर दूर है, अभी हमें काफी टाइम लगेगा। और ये सामने आ गई है टनल नंबर 3, और अभी देखते हैं अभी कितनी बाकी हैं। अभी काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हमने सोचा थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है और कार को भी रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने यहाँ पर रुक कर लंच करने का प्लान किया। यहाँ पर हमारे बच्चों को देखो, ये ड्राइंग कर रहे हैं। ये घर पर तो कभी ड्राइंग करते नहीं है, लेकिन देखो आज आपको ये देखकर ऐसा लगेंगे, पता नहीं इन्हें कितना अच्छा लगता है ड्राइंग करना, कितने ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं ड्राइंग करने में। पर हमारे लिए तो अच्छा है, थैंक गॉड हम आराम से लंच कर सकते हैं। कलर अच्छा लगता है, कलर करना पर देखिए मनाली जो है अभी 170 किलोमीटर दूर है, और ये सामने जो है ये टी पॉइंट है। एक रास्ता शिमला की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता लेफ्ट हैंड साइड पर मनाली की तरफ जाता है। मनाली जाने से पहले हमारे मन में ये डाउट था कि वहाँ की रोड्स कैसी मिलेंगी, क्या जैसे हमने पहले ट्रैवल किया है शिमला, मसूरी, मुक्तेश्वर, क्या उन्हीं की तरह नैरो होंगी। लेकिन नहीं, मनाली का रास्ता बिल्कुल डिफरेंट है, ये सभी से बेटर है। यहाँ पर ब्रॉड रोड मिलेंगी आपको, और प्रॉब्लम इसमें हमें ट्रैवल करने में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और अब देखिए ये टनल नंबर 4 आ चुकी है,
टनल नंबर 4। अब तक 4 टनल्स पास हो चुकी हैं। आउटस्टैंडिंग व्यू है अभी, तुम देख सकते हैं सामने। यहाँ पर देखिए 48 डिग्री से 37 डिग्री टेम्परेचर आ चुका है, लेकिन बच्चे जो हैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ पर जरूर रुकना पड़ेगा। वाओ यार, यहाँ तो वेदर चेंज हो गया बिल्कुल, मजा आ गया। अभी तक एग्जॉस्ट हो चुके थे और सडनली यहाँ पर बिल्कुल वेदर चेंज हो चुका है। वाओ, सो ब्यूटीफुल यार। चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। यहाँ पर तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे, इतनी ज्यादा गर्मी और हेलो तो अभी स्कूटी लेके कहाँ जा रहे हैं? मनाली जा रहे हैं। मनाली तो थोड़ा सा आगे तक छोड़ दो हमें भी। कहाँ जाना है आपको? हमें दिल्ली तक जाना था। नहीं, हम तो मनाली जा रहे हैं। यहाँ मौसम कैसा है? मौसम एकदम लाजवाब। ओ भाई साहब, मौसम बेस्ट मौसम, मजा आ गया। अभी हम कहाँ पे हैं? वेदर पूरा ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। और इन बच्चों को देखो, चेहरे और से फेद है। चेरी कैसे है? क्या है ये देखो, लबू लबू बेटा, लब चीकू को बोलो चीज। देखो बारिश होगी खत्म। क्या हो चुका है, क्योंकि यकीन मानिए इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, यकीन नहीं आता हम इतनी गर्मी से इतने ठंड में आ चुके हैं। अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम एक हमारा माइंड चल रहा है कि क्यों ना अभी ये जो 2-3 घंटे का सफर है ये अभी कंप्लीट कर लिया जाए और मनाली पहुंच लिया जाए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है कि बारिश हो रही है बीच बीच में और जो थोड़ा जाम भी लग रहा है,
तो हो सकता है कि हमें जाम ना मिल जाए या बारिश तेज आ जाए तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अदरवाइज तो ये डिस्टेंस कवर हो सकता है, लेकिन दिक्कत यही है कि बस बारिश ना हो। अंदर लेके आ जाना, चेक करते बात करते। हाँ, पहले इन्हें पूछ कर जाना दो। हाँ पूछ करते हैं। कैसे? हाँ ठीक है। हाँ क्या? अब हम एक होटल में आए हैं, इसका नाम है होटल स्नोर और इसका व्यू तो अच्छा लग रहा है। हम रात को अगर यहाँ बात बन जाती है तो हम यहीं पर स्टे करेंगे। चलो मैं आपको फिर बताऊंगी कि हमने यहाँ पर स्टे किया है नहीं किया। ये है होटल स्नोर और यहाँ पर हमने स्टे ले लिया है। इसका व्यू भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। और ये ऑन रोड ही है इसलिए ज़्यादा दिक्कत भी नहीं देगा, ऑन रोड है और इसका व्यू भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर आप मनाली जा रहे हो तो मनाली से पहले आपको स्टे लेना है तो आप ये इस वाले होटल में रुक सकते हो एक रात के लिए। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए होटल की एंट्री है, ये एंट्री काफ़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन होटल है। और बाकी ये स्टेयर से ऊपर जाना है हमें, क्योंकि हमारा रूम जो है वो ऊपर है। देखते हैं अब बाकी रूम कैसा है। रूम हमने तीनों फैमिली ने एक साथ ही लिए हैं। बाकी ये हमारा रूम है, देख सकते हैं सामने बेड है, मिरर है और सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मतलब एक रात के लिए मुझे नहीं लगता इस होटल में कोई भी ख़राबी है, इसलिए हम यहीं पर रुकेंगे और ये रात को यहाँ पर एंजॉय करेंगे। बाहर से बालकनी देखिए आप, बालकनी देख सकते हैं, सामने ही माउंटेन्स हैं। और ये यहाँ पर इन्होंने कोई खेती की हुई है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। बताओ कितने में होगा? 3000। एक्चुअली हम जो होटल्स देख रहे थे उनका कॉस्ट कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000, बट अनबिलीवेबल है ये हमें 1800 रुपए में मिल गया। 1800 ऊपर गोरिल्ला है, बताया ना मैंने, बारिश भी हो रही है, बारिश में गोरिल्ला आ जाता है। डैडी डैडी बेटे कार से सामान लेने गए हैं, आ जाओ। ये देखो अभी सामने बादल देख सकते हो आप, पूरे माउंटेन बादलों से घिरा पड़ा है, इसका मतलब साफ है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। यही कारण था कि हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। आप देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही बादल है और अभी भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है।
चलो ये भी फिनिश करते हैं, ये भी फिनिश करते हैं। लेट्स डू यू रियली थिंक कि दे आर नॉट एंजॉयिंग देमसेल्व्स। ये देखिए हम अपने ट्रिप को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे, इन्होंने क्या धमाल मचाए हुए हैं रूम में। कॉन्टीन्यूसली हमारा फोकस सिर्फ इन्हीं पे है, क्योंकि कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी के साथ खेल रहा है, कोई कुछ सामान छेड़ रहा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है यार मैनेज करना। और आज ये हमारा मनाली में, नहीं अभी मनाली नहीं पहुंचा है। कौन सी जगह ये? बुंदर। बुंदर मन, हाँ मनाली से 60 किलोमीटर पहले है ये। और अभी कितना टाइम हुआ, अभी 6 बज चुके हैं, हम उठ चुके हैं और बाकी अपने फैमिलीज को उठा रहे हैं। चलो जल्दी देखते हैं, फिर फटाफट हम मनाली के लिए निकलेंगे। उससे पहले थोड़ा वादियों के मज़े ले लिए जाए। ये देखिए मैं भैया तो अपनी कार भी साफ़ करने लगे और हमारी भी कर रहे हैं। हमें लगा था ये उठे नहीं है, लेकिन ये तो हमसे भी पहले उठे हुए हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। तो नहीं सोना नहीं है, वेकअप जल्दी उठो जल्दी। 6 बज गए शायद। हाँ घूमने तो नहीं, मैं हम तो उठे थे, वो मैं भैया तो पहले ही कार साफ कर रहे हैं। हाँ मोनिका, मोनिका पूछो उससे एक बार, पूछो उठेगी क्या पक्का। नहीं घूमना क्या, वो चले गए उनके साथ, अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। ओके बाय। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं, क्योंकि हम लेट ही सोए थे, हमें 11 या 11:30 बज चुके थे। मेरा प्लान था जल्दी उठने का, तो मैं 5:30 उठ गई थी, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने अच्छे लगते हैं। और अभी का मौसम माइंड ब्लोइंग है। हमारा प्लान अभी यहाँ से निकलने का है 2 या 3 घंटे में, जितनी जल्दी हो सके हमें मनाली पहुँचना है। बाकी लोग सोए हुए हैं, हमने प्लान तो सबने उठने का किया था कि जल्दी उठेंगे, लेकिन सिर्फ मैं ही उठी हूँ और मैं भैया उठे हैं, बाकी सब सोए हुए हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। चलो तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का व्यू। ये देखो मेरे हस्बैंड अपनी कार साफ कर रहे हैं। अब हम तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं सब, और अभी हम मनाली, अब ये 2 से 3 घंटे लगेंगे मनाली पहुँचने में। तो मनाली में हम कौन सा होटल में रुके हैं और कौन सा पॉइंट हम आज कवर करते हैं, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। बाय बाय। कहाँ जा रहे हैं हम अब? मनाली।
जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रोटी आओ दिवित, नहीं नहीं बेटा सिल्क चॉकलेट, वाओ सिल्क चॉकलेट। अभी हम होटल से आए हैं, होटल हमारा भुंतर में था और भुंतर से निकलने के बाद सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया है। ये एक पॉपुलर ढाबा है ऑन द वे टू मनाली, ये कुल्लू में है और ये ढाबे का नाम है 111। ये आपको ऑन द वे सामने से ही दिख जाता है, तो अगर आप मनाली जा रहे हो तो यहाँ पर अच्छे से ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपने देखा साइड में ही व्यास रिवर बह रही है, वो भी बहुत अच्छा है। नहीं ले लीजिए, नहीं वीडियो है। ये अचार पता नहीं जो भी है बहुत टेस्टी अचार है। ये लिंगड़ी का अचार है, ये यहाँ का स्पेशल अचार है। ये यहाँ का पराठा और ये यहाँ का पराठा है, ये पराठा हैवी है, राइट? हाफ पराठा इज सफिशिएंट। ये पैक करा देते हैं लोग, बिल्कुल। स्टार्टिंग रूट ऑन ओशन रिवरसाइड रिसोर्ट। सब देखिए सामने हॉट एयर बलून। जब आप मनाली पहुंचोगे तो ये आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चेरी, एप्रिकॉट और पता नहीं क्या छोटी छोटी चीजें सेल कर रही हैं। यहाँ पर ये लेडीज खड़ी हुई है, हमने भी यहाँ बहुत परचेज किया है। क्या लिया आपने? ये क्या है? ये तो आलू बुखारा है। वाओ, ये छोटा सा है, बड़ा मीठा है, पर यम्मी है। ले ली। बीज नहीं खाने, लेकिन क्या खा रहे हो? चेरी। ये तो ले सकते थे, ली नहीं आपने? क्या चेरी? ए, एक मुझे अभी तो दे दो, एक बीज। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल। होटल का ये थोड़ा कच्चा रास्ता ही है, यहाँ पर जाम भी लगा हुआ है। ये हमने 5 से 7 मिनट लग जाएंगे होटल पहुंचने में। मोनिका, तू वीडियो बनाई हो 5 ईयर पे? नहीं, अगेन बिफोर एंड आफ्टर। नहीं, ये
विद माय डॉटर सेफ नहीं है थोड़ा सा बहुत अच्छा हुआ हेलो दिवेद ये इनकी पार्किंग में कैसे ऊपर है अभी और हम अब अपने होटल मोक्सा वैली पहुंच चुके हैं। ये हमने यहाँ पर इनका पार्किंग एरिया है, यहाँ पर कार पार्क कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा हाइट पर है तो थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ दो तीन बार से यही हो रहा है, हमें सेम रास्ता मिलता है। गुड मॉर्निंग, हमें थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता है। अब इस बार हमने पूरा ट्राई किया था कि हमें पैदल ना जाना पड़े, फिर भी एकदम खड़ी चढ़ाई है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो होटल आ गया, न्यू होटल। होटल में पहुंचने के बाद द मोक्षा वैली रिजॉर्ट। चिकू न्यू होटल चले बेटा, और न्यू होटल में जाके चिकू क्या करेगा? टीवी देखेगा, और क्या करेगा न्यू होटल में? न्यू होटल में चिकू मैगी खाएगा और हम गेम्स खेलेंगे। भागना नहीं है। दी मोक्षा वैली। चीकू हैंडी पकड़ो मम्मा का। चीकू प्लीज। वाओ, ये रोजेस कितने अच्छे हैं। हेलो दिवेद, आ रहे बेटा। वाओ, सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। चिकू रुको, बताओ इसने बुला रहे किसने बोला कि कौन सा फ्लावर है बताओ। बेटा ये मुझे नहीं पता कौन सा फ्लावर है। हाँ, दिस इज रोज। रोज, यस यस, दोनों का देख लिया जरा उनने। रोज, रोज, क्यूट क्यूट रोज। ये कौन सा फ्लावर है बताओ? नो, ये रोज है बेबी। वाओ, वो वाला कौन सा? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये कौन सा है बेटा? ये तो ज्यादा खेतों में लगा करते थे। ये है आपका कोई, ये पिंक फ्लावर। स्पाइडर, ऐसे पता चल जाएगा। स्पाइडर, स्पाइडर। चेरी कम, चेरी जूस, यू वांट जूस? आराम से आराम से चीको, आराम आराम से बेटा। ये ना
सोनिका, डिड यू लाइक दिस होटल? मी टू, इट्स सो ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ग्रीनरी, सो मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स अराउंड अस. ओ चिकू रुको, दोस्त थ्री जेंटलमैन प्लानिंग समथिंग मिस्टीरियस. चलो चलो चीकू, नीचे उतरो बेटा. जाओ आप भी जाओ. चीकू नीचे उतरो बेटा. हाँ बहुत अच्छा था रूम, तो अच्छा प्लेजेंट सा था. वाओ अच्छा है. हेलो बढ़िया एकदम व्यू तो गजब है. चीकू ऊपर नहीं चढ़ना बिल्कुल भी, बहुत ऊपर है. चीकू ऊपर है ये बहुत ज्यादा. और अब हम जा रहे हैं जुगनी वाटरफॉल. जुगनी 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 चढ़दी है सितार, जुगनी रहंदी सी सपार, जुगनी मुंह मोड़ी ना नोड़ी. हेलो चेरी, हेलो हेलो, लाओ फोटो. ये देखो भाई ये है जुगनी वाटरफॉल. जुगनी वाटरफॉल जा रहे बस यही है. और हम वहाँ तो भाई हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे साथ इतना ऊपर नहीं जा सकते. देखना इतना ऊपर है ये, बच्चे ना होते तो एक बार को सोच भी लेते. हेलो थक गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं. हेलो चीकू नहीं चलने, 20 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं, नहीं चलो अभी और अभी ऊपर चढ़ना बाकी है. अभी हम जुगनी वाटरफॉल ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, तो हमारा जो छोटा सा पॉइंट है ना मैगी पॉइंट वो रहा, हम वहां जाकर बैठेंगे. आओ इधर चल, ये ले लो. अंदर हमें कौन सी वैली थी, कौन सी वाटरफॉल था? जुगनी. जुगनी वाटरफॉल पर हम मोमोज खाते हुए, क्योंकि जुगनी वाटरफॉल तो बहुत दूर है. और वो ज्योति रील बनाते हुए चटनी आते हुए, चटनी मोमोज में आते हुए हम गटर गटर खाते हैं. ज्योति रील बनाते हुए हम खाते हुए, रील बनाते हुए हम स्वाद लेते हुए. ये देखिए हम बच्चों के साथ किस तरीके से व्यूज का एंजॉय करते हैं. और अब हम वापस आ रहे हैं जोगनी वाटरफॉल से, क्योंकि हम जोगनी वाटरफॉल ऊपर नहीं गए, वो बहुत ज़्यादा दूर था और हमारे साथ छोटे बच्चे थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमने वहीं पर मैगी खाई, मोमोज खाए,
चाय पी, वहीं मैगी पॉइंट पर एंजॉय करके हम वापस आ रहे हैं। ये देखो टॉडलर्स क्या धमाल मचाते हैं ट्रिप पर, देख सकते हो आप कितना मस्त माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। और अब हम आ चुके हैं हिडम्बा टेंपल। हिडम्बा टेंपल जो कि अभी जुगनी वाटरफॉल था उससे हाफ एन आवर लगता है पहुंचने में, और अभी अभी हम आ पहुंचे हैं यहाँ पर हिडम्बा टेंपल। यहाँ पर हिडम्बा पार्क भी है और सामने देख सकते हैं आप ये पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए बड़ों के लिए। और ये अभी हम अपनी दूसरी फैमिली का वेट कर रहे हैं, तब तक आप व्यूज़ देख लीजिए। व्यूज़ हैं ये, मौसम यहाँ पर अब अच्छा होने लगा है। सामने वो वाले माउंटेन्स देखिए, वहाँ पर स्नो है। चलो आराम से उतरो, आराम से चलो चलो अभी देखते हैं आंटी। वाह सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और ये अब हम जा रहे हैं हिडम्बा देवी टेंपल, अभी हमने एंट्री की है। ये दोनों तरफ फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। हाँ क्या रेट खिलाएंगे? वाह ऐसे ऐसे करके ऐसे आ जाओ पास आओ पास आओ इधर आओ जल्दी वॉक करके आओ वॉक करके आओ आंटी इधर देखो चिको आओ अंकल की तरफ जाओ 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 लबो हेलो वो बच्चे क्यों कर रहे हैं जल्दी पहुंच चिको चिको लबू तो शेर आदमी है यार डर रहा है पॉइस लेंगे हाँ बस कुछ हो रहा है अभी आगे बहुत सारी शॉप हम होटल आ गए हैं और आज हमने दो तीन पॉइंट कवर किए हैं। जोगनी वाटरफॉल दूसरा पॉइंट था हमारा, हिडम्बा टेंपल। बाकी बहुत टायरिंग डे था, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे।